हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर कुर्ती का नेक डिजाइन बनाएंगे और इसमें नेक वगैरह कैसे हम लेते हैं, उसमें कैसे हम कटिंग करते हैं कैनवास पे, वो सब मैं ए टू जेड बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो अच्छे से देखिएगा तो ही समझ में आता है, क्योंकि देखिए नेक हम जितना कट करते हैं, कितना हम नेक कपड़े पे कितना कट करते हैं और कैनवास पे कितना हमें लेना चाहिए, तो आपको यूट्यूब पे ये कोई नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, पहली बार मैं ये आइडिया निकाली हूँ तो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए, पहले अपने मेजरमेंट के हिसाब से कुर्ती को कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए इस तरह से कैनवास लेना है और ये बांधनी प्रिंट का ये कुर्ती इतना सुंदर बन के रेडी होगा कि क्या बताऊँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये लेना है और सबसे पहले ये देखिए नेक हम 2.25 इंच का लगाते हैं क्योंकि डीप नेक में, लेकिन इस पे हमें 2.75 इंच निशान लगाना है कैनवास पे। कपड़े पे हमने 2.25 इंच का लगाया और कैनवास हमने 2.75 इंच लिया, वो इसलिए कि एकदम कैनवास के किनारे हमें सिलाई लगाना होता है। तो कैनवास में हम अगर मार्जिंग पकड़ेंगे तो गला हमारा अच्छे से नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने देखिए कपड़े पे 2.25 इंच हमने चौड़ाई लिया है और कैनवास पे 2.75 इंच। अब देखिए डीप इसमें हम 6 इंच इतना रख ली हूँ और नीचे और कट लगाना में 7 इंच का हमें गला तैयार करना है। तो देखिए 6 इंच पे इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया, बॉक्स बना के इसको राउंड शेप दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर कैनवास हम कट करते हैं तो इस तरह से कट करेंगे तो नेक बहुत ही सुंदर बनेगा। तो ये देखिए, अगर 2.25 इंच का हम ये कट करेंगे तो हमारा नेक उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने इसमें कपड़े पे तो लगाया था 2.25 इंच का निशान और इस पर मैंने 2.75 इंच पे चौड़ाई निशान लगाया है। तो ये देखिए, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे। तो करके इसको एक स्क्वायर कपड़े पे अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे, चिपका लेंगे। अगर नहीं चिपकेगा तो मशीन से इसको सिलाई लगा के हम पट्टी तैयार करेंगे। तो इसको अभी साइड में रख लेते हैं। अब हमें एक और इस तरह से कैनवास पेपर लेना है, तो इसकी लंबाई मैं 10 इंच ली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हाइट ज़्यादा है तो 11 इंच का भी आप रख सकते हैं, अगर कम हाइट का बना रहे हैं तो 10 इंच एकदम सही है। यहाँ से देखिए 1/2 इंच चौड़ाई लिया हमने और 2.5 इंच इस तरह से लेके इसको वी शेप में निशान लगा दिया। अब हमें क्या करना है, नीचे से देखिए 1/2 इंच पे निशान लगाना है, 1/2 इंच पे, और इसी तरह से 1/2 इंच का निशान ये ऊपर तक हमें लगा लेना है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर शेप ये बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से डार्क कर लेना है, मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने मिला लिया, इसको मिला के इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं इसको। तो ये देखिए ये कट हो गई। अब होने के बाद जो वी शेप है उसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए कट हो गया। कट होने के बाद इसको हमें क्या करना है, एक कपड़े पे, लेकिन जब देखिए बांधनी प्रिंट का है तो इसको हम प्लेन कपड़े पे इसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए प्लेन कपड़ा, और उल्टे साइड की तरफ कपड़े को रखना है, और उल्टे साइड मतलब कपड़ा को लेके इसको रख के इसको चिपका लेना है। तो ये देखिए चिपका लिया हमने प्रेस के सहायता से। अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेंगे और मार्जिंग छोड़ते हुए कटिंग करना है। जो गले का साइड है फ्रेंड्स, उस तरह मार्जिंग छोड़ते हुए हमें एकदम कैनवास में सटा के कटिंग नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं A to Z बताऊंगी कि किस तरह से हमें कैनवास कट करना है, किस तरह से कपड़ा कटिंग करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों साइड से हमने मार्जिंग छोड़ा। एक साइड का तो हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक साइड का मार्जिंग हमारा रहेगा जो कपड़े पे सिलाई होगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करके पूरे को रेडी कर लेंगे। तो दोनों हमारा जो गले का पट्टी है उसको इसी तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए एक सिलाई हो गया, दूसरे को भी इसी तरह से रेडी करके हम साइड में रख लेते हैं। तो अब चलिए जो ये हमारा पट्टी है इसको भी रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा ये है, इसको जैसे प्रेस लगाने के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा उतना अच्छे से चिपका नहीं है, तो इसको सिलाई लगा के चिपका सकते हैं और इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए, तो ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद यहाँ पे जहाँ पे कर्व्ड है वहाँ पे थोड़ा छोटा कट लगाना है दो, ताकि अच्छे से कपड़ा फोल्ड हो सके। और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके हमें
तैयार कर लेना। आप चाहे तो इसको जो ग्लू आता है कपड़े वाला उससे भी चिपका सकते हैं, और चाहे तो सिलाई लगा सकते हैं, ये मोटी सिलाई आप लगा सकते हैं, इसको चाहे तो बाद में निकाल सकते हैं। अगर नहीं भी निकालेंगे, अगर किनारे चलाया है तो कोई बात नहीं, बस फिनिशिंग हमें दिखनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये सिलाई लग गई और ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये आइडिया और डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, सूट के उल्टे साइड में ही हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरह से रखना है और नेक की कटिंग कर लेनी है हमें। तो जो हम 2.25 इंच पे निशान लगाए हैं फ्रेंड्स, उसी पे अच्छे तरह से इसको रखना है, और रख के और पिन से हम इसको सिक्योर करके और कटिंग कर लेंगे नेक की। तो ये देखिए, नेक हमारी कट गई, और देखिए जो हमने 2.25 इंच पर निशान लगाए थे एकदम परफेक्ट आया है हमारा। तो अब देखिए, पिन को निकाल लेना है, निकालने के बाद इसको अलग कर लेंगे, पट्टी को इसको हटा लेंगे, और हटाने के बाद हमें क्या करना है, देखिए थोड़ा सा अगर टेढ़ा मेरा आपको दिख रहा है तो इसको बराबर कर सकते हैं अच्छे से। देखिए फिर भी ये आ जाएगा अच्छे से, देखिए अच्छे से हो गया। तो इस तरह से हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। नेक की कटिंग करने के बाद यहाँ सेंटर में हमें नॉच लगाना है ताकि हमें पता चले। अब क्या करना है, इसको इस तरह से उल्टे साइड से रखना है, जो सूट का कपड़ा है उसको उल्टे साइड से रखना है, और जो हमने ये पट्टी तैयार की है उसको इस तरह से रख के और इस पर पिन लगा लेना। पिन लगा के इसको हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से वी शेप में इसको जैसे है एकदम हमें कैनवास पे नहीं चढ़ाना है फ्रेंड्स, एकदम कैनवास से सटे हुए ही सिलाई लगाना है। अगर इस तरह से आप नेक बनाएंगे तो इतनी फिनिशिंग के साथ आपका नेक डिजाइन बनेगा कि क्या बताऊँ। तो ये देखिए, यहाँ से आप थोड़ा सा कट लगाएँगे, कट लगाने से फोल्ड हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो इसको अब सीधे साइड में हम ले जाएंगे। तो ये देखिए, ये फोल्ड हो गया, फोल्ड होके इसके ऊपर से एक प्रेस सिलाई हम लगा लेंगे तो अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लेना है हमें। तो ये सिलाई हो गई। अब देखिए, नीचे के साइड में हमें इसमें सेंटर का निशान लगाना है। सेंटर का निशान लगा के इसको अच्छे से कपड़ा को खींच के अच्छे से बराबर कर लेना है, बराबर करके और पिन लगा लेना है। पिन लगाने से एकदम बीच में हमारा एकदम रहेगा। आप चाहें तो बीच में मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं, बाद में निकाल लीजिएगा। और ये देखिए, फिर इसको ये लेस लेना है। लेस लेने के बाद आपको जितना लेस दिखाना है उतने पे सिलाई लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिखाना है तो ज़्यादा रख के सिलाई लगा सकते हैं। एकदम थोड़ा थोड़ा दिखाना है तो इस तरह से इसमें आप कोई भी लेस लगा सकते हैं, जो धागे वाला लेस आता है चिकन लेस, उसको भी लगा सकते हैं, गोटा पट्टी भी लगा सकते हैं, या अगर इसमें आपको पाइपिंग लगाना है, डोरी पाइपिंग, तो डोरी पाइपिंग भी कपड़े का कॉन्ट्रास्ट में लगाना है तो लग सकता है। तो ये बहुत ही सुंदर, ये देखिए बांधनी प्रिंट का कुर्ता कितना सुंदर ये बनके रेडी होगा। अगर हम प्लेन बनाते तो अच्छा नहीं लगता एकदम ऐसे, तो थोड़ा सा इसको इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं आप। तो ये देखिए, ये सिलाई एकदम लेस को अंदर डालते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हम कट करके हटा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हो गई सिलाई। अब हमें जो हमने नेक की पट्टी तैयार की है उसको इस पे बस रखना है और रख के सिलाई लगा लेना है। मार्जिन छोड़ के हमने कट किया है, तो फ्रेंड्स इसको भी देखिए एकदम कैनवास के किनारे किनारे ही सिलाई लगाना है, तभी नेक बहुत ही सुंदर बैठेगा। तो ये देखिए, मार्जिन के लिए मैंने इसमें 2.75 इंच पे चौड़ाई लिया था इसका, और जो मैंने कपड़े पर लगाया था वो 2.25 इंच पे लगाया था, तो इसीलिए। तो इसको देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अगर चाहिए तो छोटा यहाँ पे कट लगा सकते हैं। कट लगाने से क्या होगा, बहुत अच्छे से फोल्ड होगा। तो ये देखिए, छोटा छोटा सा कट लगा लिया हमने। लगाने के बाद अब इस कपड़े को हम पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर ये फोल्ड हो जाएगा। तो फोल्ड होके एक ऊपर से प्रेस सिलाई लगा लेंगे इसको इस तरह से। बड़े आराम से कपड़े को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगाना, और यहाँ पे किनारे पर जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा है उसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे, फिर दूसरा सिरे पे जो दूसरा नेक है उसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये नेक बना लिया, और कितना सुंदर है, कितना आसान तरीका है ये बनाने का। तो इस तरह से आप किसी भी कुर्ते में आप बना सकते हैं, और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर
लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए, और बनाना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें सो बटन लगा लेना है बीच में। तो ये देखिए, सो बटन लगा लिया हमने। और आपको ये डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐप से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।